watching Star 9 News. दिन ब दिन बढ़ रहे महिला पे अत्याचार को मद्देनजर रखते हुए थाने ग्रामीण पुलिस ने मीरा भाईंदर अंतर्गत निर्भया महिला विशेष सुरक्षा पथक शुरू की है। इसका आज उद्घाटन भाईंदर एसडीपीओ अतुल कुलकर्णी के हाथों नौगर पुलिस स्टेशन में किया गया, जहां कॉलेज के कई छात्रा भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि महिला सुरक्षा पथक महिलाओं की सुरक्षाओं को मद्देनजर रखते लिया गया है, जहां गाड़ी चालक भी महिला ही रहेगी। इधर पूरा मीरा भाईंदर में हमने निर्भया पथक शुरू किया है और 14 अगस्त को हमने लॉन्च किया है, तो 15 अगस्त से इंडिपेंडेंस डे से ये चालू हो जाएगा। ये हमारा यही कोशिश है कि ये निर्भया पथक, ये वाहन आप देख रहे हो, ये इसमें महिला अधिकारी रहेंगे, ड्राइवर भी महिला रहेंगे और महिला कर्मचारी रहेंगे। पूरा मीरा भाईंदर में ये फिरेगा और जो भी छेड़छाड़ है, लड़कियाँ का कुछ परेशानी है, कुछ भी ऐसा कुछ है, हमारा हेल्पलाइन नंबर रहेगा, उसमें आप फ़ोन कर सकते हो ज़रूर, और हमारा ये निर्भया पथक स्पॉट में पहुंच जाएगा। ये शहर की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए किस तरह के आह्वान है? ये हमारा एक रिसर्च किए थे मीरा भाईंदर में कि महिला सुरक्षा कितना है, क्या क्या उनका तकलीफ है। इस रिसर्च से यही आया था कि कुछ एरिया से जो कि महिला सुरक्षा की एम्फोसिस ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए हम ये निर्भया पथक शुरू किया है। ये स्कूल कॉलेज ऐसे जो भीड़ भाड़ इलाके होते हैं, बाजार, इस तरह वहाँ पे ये पथक हमेशा फिरता रहेगा कि सिर्फ कॉल करने के बाद ही? नहीं, ये पूरा पथक फिरता रहेगा सुबह से रात तक, और जो सुबह का मार्केट एरिया है उधर जाएगा। हमने एक रूट मैप भी बनाया, और जो सुबह का गुड मॉर्निंग स्क्वाड है, जब लोग बाहर निकलते वॉकिंग करने के लिए तभी भी हमारा गाड़ी दिखेगा, फिर स्कूल्स कॉलेजेस जब शुरू होंगे तभी दिखेगा, फिर बैंक के टाइम में बैंक के यहाँ फिरेगा। ऐसा हमने एक रूट मैप तैयार किया है और ये गाड़ी हर जगह फिरता रहेगा, और जब जहाँ डार्क एरियाज है, जहाँ ज़्यादा गर्दी है, उधर ज़्यादा फिरेगा, और जब भी कुछ कंप्लेंट आया, कुछ फ़ोन आया उधर, तो तुरंत ये व्हीकल जाएगा और एक्शन लेगा।